की सीरीज़ में आज का इस वीडियो जो आपके समक्ष में लेके आ रहा हूँ उसका टॉपिक है एमओ अप्रोच फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 में आपका ये टॉपिक यानी कि अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेस जितने भी है उनके बारे में हमें एमओ अप्रोच डिस्कस करना है। तो दिस वन इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल एंड वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। सो अब शुरू करते हैं कि मोलेकुलर ऑर्बिटल अप्रोच की मदद से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को और उसमें सिग्मा बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एमओ अप्रोच फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दोस्तों, ये जो पूरा आप देख रहे हैं वो पूरा डायग्राम है। ये डायग्राम अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उस अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये पूरा एमओ अप्रोच और एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम है, जिसको हम हिंदी में आणविक चितार बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम। तो दोस्तों, ये डायग्राम हमें किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में सिग्मा बॉन्ड्स एक्सप्लेन करने में बहुत बहुत हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए टिपिकल मोलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शोइंग द फ्रंटायर ऑर्बिटल इन द टिंटेड बॉक्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड में जो है वो सारी मेटल आयन की वैलेंस ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पर रखी है, जिसमें वैलेंस शेल में मेटल आयन जो होती है ट्रांजिशन मेटल उसकी 3D ऑर्बिटल्स है। और वो 3D ऑर्बिटल्स में जैसे कि हम जानते हैं देर आर EG एंड T2 ऑर्बिटल्स इन 3D ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके बाद आती है दोस्तों 4S ऑर्बिटल, सिंगली डीजनरेटेड है। उसके बाद 4P ऑर्बिटल्स, यहाँ ट्रिपली डीजनरेट है। ठीक है, ये डायग्राम की राइट साइड पे आप देख रहे हैं तो यहाँ राइट साइड पे लिगेंड की ऑर्बिटल्स होती है। हम जानते हैं कि ML6 टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, देर आर 6 लिगेंड्स। ओके, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये 6 जो बताई है वो लिगेंड की ऑर्बिटल है। ये 5 ऑर्बिटल D, फिर एक S और 3 P, ये 7 ऑर्बिटल और लिगेंड की 6 ऑर्बिटल, कुल 13 ऑर्बिटल। तो यहाँ बीच में हमने एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम, दैट मीन्स यहाँ पर जो पूरा कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल होता है उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ बताई गई है। दोस्तों, ये जो है A1G, T1U, EG, ये सारे मूलिकन सिंबल है, कोई भी ऑर्बिटल्स का मूलिकन सिंबल ये उसका नाम है। ठीक है, हम जानते हैं कि सिंगली डीजनरेट ये S ऑर्बिटल, जो S ऑर्बिटल है वो सिंगली डीजनरेट यानी कि यहाँ पर एक ही है, इसलिए इट इज़ सिंगली डीजनरेट S ऑर्बिटल्स, जिसका मूलिकन सिंबल है A1G। देन ट्रिपली डीजनरेट P ऑर्बिटल्स, यहाँ पर 3 है सो इट इज़ ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, तो इसका सिंबल है T1U, ये मूलिकन सिंबल है। देन यहाँ पर 3D में 2 तरह की है, EG और T2G। EG डबली डीजनरेट है तो इसका सिंबल EG है, और ट्रिपली डीजनरेट जो डी ऑर्बिटल्स है T2G वाली उसका सिंबल है T2G। तो ये पूरा जो है वो एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं हम आणविक चितार बोलते हैं उसको, पूरा मॉलिक्यूल का आणविक चितार। तो ये दोस्तों जनरल फॉर्म में
ML6 टाइप का कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका आणविक सितार यहाँ पर आपको बताया गया है। अब दोस्तों सिग्मा बॉन्ड के लिए ये जो है ये एनर्जी के नीचे वाली ये सारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है यानी कि बंद कारक ऑर्बिटल्स, तो ये सारी मिलके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग अगर हम डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें ये जो ऑर्बिटल्स है उसको कंसिडर करनी पड़ेगी। सिग्मा बॉन्ड में जितनी भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती है ये छः में से ये छः और ये सात में से जो भी ऑर्बिटल्स सिग्मा बंद बनाने के लिए हमें मदद करती है उसका हमें एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब दोस्तों किसी भी एग्जांपल के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट एक्सप्लेन एमओ अप्रोच फॉर ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स ऑफ CONH3+ दोस्तों यहाँ CONH3+ उसका पूरा ये एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए राइट साइड पे CONH3 में देर आर 6 NH3 लिगेंड्स और प्रत्येक लिगेंड सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर 6 NH3 लिगेंड की बताई गई है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में 3D ऑर्बिटल ऑफ CO, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करना है, यहाँ कितना वो हमें CO की प्राइमरी वैलेंस जो है उसी के आधार से करना होगा। ठीक है, तो CONH3+ जो मॉलिक्यूल है कॉम्प्लेक्स का उसमें हम जानते हैं कि एज NH3 इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल लिगेंड की कोई वैलेंसी होती ही नहीं है, तो ये जो है पूरा कॉम्प्लेक्स की वैलेंसी +3 वो CO की बन जाती है, तो यहाँ पर CO+3 के रूप में है। ठीक है, और CO का एटॉमिक नंबर 27 है, तो 27 में 4s में 2 आता है और 3d 7 आता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास CO+3 है तो ये s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल्स में से 1 इलेक्ट्रॉन आयोनाइज्ड होके चले जाते हैं, तो CO+3 में यहाँ देखिए आप 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s में एक भी नहीं है, 4p भी बिल्कुल वैकेंट है। दोस्तों अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के पहले अगर CONH3+ बनना है तो हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है, तो यहाँ देखिए डी ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे पैड होंगे उसका आधार लिगेंड की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों अगर स्ट्रांग लिगेंड होता है तो डी ऑर्बिटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब पैड हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे, पैर बन जाएगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन 3 पैर में यहाँ पर पैड हो गए, युग्मित हो गए, और 2 खाली जो वैकेंट डी ऑर्बिटल बची वो D2, ये एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, यानी कि D2 यहाँ से 2 वैकेंट जो थी खाली थी वो s और p कुल मिला के 6 ऑर्बिटल यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है और 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म करती है जिसका नाम है D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ओके, अब यहाँ पर 6 NH3 लिगेंड ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसी हिसाब से CONH3+3 में आप देख सकते हैं ये डी ऑर्बिटल की 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देन ये 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनी उसमें 6 NH3 के मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ये रही है ये डोनेट करते हैं और इसी तरह से CONH3+3 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो दोस्तों अब CONH3+3 के पास ये पूरे इलेक्ट्रॉन 6 और ये 12, ठीक है,
12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हमें ये एमओ एनर्जी लेवल बीच में जो है वो एमओ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसमें हमें बांटना है, फिलअप करना है, ठीक है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप हो जाते हैं। उसके बाद 11 12 13 फिर NH3 लिगेंड स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है CO+3 की वैलेंसी की वजह से, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मे बी पैड इन दिस ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाने के बाद 11 12 13 और 14वां इलेक्ट्रॉन 15वां इलेक्ट्रॉन 16वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पैड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से 18 इलेक्ट्रॉन जो कुल होते हैं उसका यहाँ ऑर्डर ऑफ द फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इसी हिसाब से हमें पाउलिंग बाकाती सॉरी हुंड एंड ये इसके जो रूल्स है पाउली और हुंड के रूल्स उसी हिसाब से यहाँ हम फिल करते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से 18 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर फिलअप हो गए, ठीक है। तो इस तरह CONH3 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और ये जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में फिलअप हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सब बॉन्डिंग यानी कि बंध कारक इलेक्ट्रॉन्स पेयर बन गई है और ये नॉन बॉन्डिंग है जो T2G अक्षों के बीच में है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है और इस कॉम्प्लेक्स को भी कोई लेना देना नहीं है बिकॉज T2G ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सिस सो दे कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन दिस सिग्मा बॉन्डिंग, ओके। तो सिग्मा बॉन्डिंग में जितनी भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती है उसी हिसाब से ये 6 सिग्मा बॉन्ड एक्सिस की ऊपर ऑन द एक्सिस फॉर्म होते हैं और ऑक्टाहेड्रल CONH3 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। दोस्तों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर CONH3 3+ का मॉलिक्यूल है तो वो डायमैग्नेटिक है। क्यों डायमैग्नेटिक है? क्योंकि यहाँ देखिए डेल्टा ओ का मतलब है स्फटिक क्षेत्र विभाजन, T2G और EG के बीच में जो विभाजन होता है वो विभाजन पैरामीटर यहाँ पर दिखाता है। CONH3 3+ का ये डेल्टा ओ का वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन CONH3 2+ यानी कि CO+2 जो है उससे ज़्यादा डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग CO+3 के कॉम्प्लेक्स में होता है। यहाँ पर आप देखिए ये CONH3 2+ का दिखाया है और यहाँ पर CONH3 3+ का दिखाया है, ये ज़्यादा है देखिए। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में जा नहीं सकता है क्योंकि ये विभाजन ज़्यादा है। तो 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पैड हो जाते हैं यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन पैड है, युग्मित है। जिस कॉम्प्लेक्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पैड होते हैं, युग्मित होते हैं, वो डायमैग्नेटिक बनता है और यहाँ पर ये विभाजन कम है, ये डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG इज़ वेरी लो देन दिस। सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन EG में जाता है, पांचवा भी EG में जाता है और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पैड होता है। तो यहाँ पर अनपैड इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज़्यादा मिलती है, इसीलिए अनपैड इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। देन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी तरह से हम दे सकते हैं कि CONH3 2+ इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द लोअर वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ओके। इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है और हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा दिस इज डायमैग्नेटिक, ओके। तो इसी तरह से जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपैड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है।
और जिस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन सारे के सारे युग्मित होते हैं वो लो स्पिन बनता है। लो स्पिन यानी कि स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन बहुत कम होती है, जिसमें युग्मीकरण होता है, पैर इलेक्ट्रॉन पैड ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन लो होती है, सो इट इज़ कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सिस। वाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपैड होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिस इज नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सिस। ठीक है, तो सी ओ एफ सिक्स आप देखिए, एफ माइनस इज वीकर लिगेंड देन एन एस थ्री। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम डायग्राम की ओर देखें तो मान लो यहाँ सी ओ एफ सिक्स आता है एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन में अगर आप सी ओ एफ सिक्स का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं तो 11, 12, 13 और 14वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 15वां यहाँ जाएगा, फिर 16वां यहाँ युग्मित होगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपैड मिलते हैं, इसलिए सी ओ एफ सिक्स इज पैरा मैग्नेटिक वाइल सी ओ एन एस थ्री सिक्स इज डाया मैग्नेटिक। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सी ओ एन एस थ्री सिक्स थ्री प्लस, सी ओ एफ सिक्स थ्री माइनस एंड सी ओ एन एस थ्री सिक्स टू प्लस, ऐसे तीन कॉम्प्लेक्स जिसमें सिग्मा बॉन्डिंग मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि ये हमें एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्प हो कर सकता है तो दोस्तों आप ज़रूर 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 मेरी ये चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।